नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र के छजपुर में बच्चों के विवाद को लेकर महिला ने पड़ोसी बच्चे को घर में बुलाकर पीट पीट कर उसकी आंख फोड़ दी। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन वहां आ गए और अपने बच्चे को बचाकर तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करा गए, जहां आंखों के डॉक्टर ने बच्चे की आंख पूरी क्षतिग्रस्त बताते हुए आंख निकालने की बात कही, जिसके बाद रोते विलखते परिजन घायल बच्चे को प्रतापपुर थाने लेकर पहुंचे और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, ये जो थाना प्रतापपुर क्षेत्र में छजोपुर में एक बच्चे की आंख फोड़ी गई है, पूरा मामला क्या है? आपसी विवाद में और मारपीट में एक बच्चे की आंख में चोट लगी है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? जो तहरीर प्राप्त हुई है उन सभी का, जिसका जो दोष होगा उस दोष के आधार पर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम समीर है, मैं आ रहा था। उसकी माँ उसकी माँ बाहर खड़ी थी, उसने मुझे घर में बुलाया, मुझे मारा, आग में ईंट मार दिया उसके बेटे ने। अब मुझे घर से बाहर निकाल के मारा, वो अंदर बुला के बहुत मारा। आग कुछ धक्का दिया, सिर में चोट टक्के वक्के आए हैं।